कैसे हो भाई? आई होप बेटा सभी अच्छे से होंगे, फाइन होंगे और मौसम को एंजॉय कर रहे हो बेटा। जल्दी से वीडियो को विजिबल करो बेटा, विजिबल कीजिए। चिराग, आदित्य, साक्षी, नवल, गुड आफ्टरनून बेटा, विजिबल करें बेटा। कल जो बेटा अपना टॉपिक चल रहा था वेदर एंड क्लाइमेट, किसी भी स्थान की शॉर्ट टाइम एनवायरमेंटल कंडीशंस को बेटा वेदर कहते हैं। किसी भी स्थान की अल्पकालीन मौसमी दशाओं को मौसम कहा जाता है बेटा, और जो दीर्घकालीन कंडीशंस है बेटा, मौसम की दीर्घकालीन परिस्थितियों के योग को जलवायु कहते हैं। बेटा कल के टॉपिक में किसी का कोई प्रॉब्लम? कल जो अपने टॉपिक थे बेटा वेदर और क्लाइमेट, एनी डाउट एनी प्रॉब्लम? ओके बेटा, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेटा। नाउ बेटा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टेम्परेचर, या तापमान का नेक्स्ट अपना जो टॉपिक बेटा, टेम्परेचर या तापमान। The degree of hotness, the degree of hotness and coldness, the degree of hotness and coldness of the air the degree of hotness and coldness, hotness and coldness of the air is known as temperature, is known as temperature graph. हवा की गर्माहट और हवा की गर्माहट
hotness and ठंडक शीतलता coldness को तापमान कहा जाता है, को तापमान कहा जाता है। समझ रहा है बेटा? द डिग्री ऑफ कोल्डनेस, कोल्डनेस में तो होता है बेटा गर्म या गर्मापन, एंड कोल्डनेस ठंडक, हवा की बेटा गर्म होने और हवा के ठंडे होने, शीतल और गर्म होने को बेटा तापमान कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है बेटा उसे? तापमान कहा जाता है। The incoming, the incoming solar energy, the incoming solar energy intercepted, intercepted by the earth, intercepted by the earth, is called insulation, is called insulation, is called insulation the degree of hotness and coldness, the degree of hotness and coldness of the air is known as the temperature. The incoming solar energy, सूर्य से बेटा जो ऊर्जा पृथ्वी तक आती है, सूर्य से जो हीट आती है, ठीक बेटा, जो सनरेज बेटा पृथ्वी तक आती है उसे बेटा इंसुलेशन कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है बेटा? इंसुलेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे? इंसुलेशन कहा जाता है। थर्मोमीटर का
एजेड इंस्ट्रूमेंट विच measures the temperature तापमान को बेटा किस यंत्र से नापते हैं? तापमान को बेटा किस यंत्र से मापा जाता है? थर्मामीटर। ठीक है, टेम्परेचर को बेटा किस इंस्ट्रूमेंट से नापा जाता है? बेटा किस इंस्ट्रूमेंट से नापा जाता है? थर्मामीटर बेटा, जिससे हम तापमान को नापते हैं। जब आपने देखा बेटा कभी आपके बुखार हुआ है, जब बुखार होता है अपन डॉक्टर के पास जाते हैं बेटा, तो क्या करता है अपने मुंह में डालता है बेटा थर्मामीटर, डालता है बेटा थर्मामीटर, उससे पता लग जाता है भाई आपको बुखार कितना तेज है। ठीक है, तो टेम्परेचर किस यंत्र से नापते हैं बेटा? टेम्परेचर को नापा जाता है थर्मोमीटर से। थर्मोमीटर इज इंस्ट्रूमेंट, थर्मोमीटर बेटा एक उपकरण है जिससे मेजर द टेम्परेचर, तापमान को नापा जाता है, जिससे बेटा तापमान को मापा जाता है। राइट हो गया बेटा सभी के द्वारा? राइट हो गया बेटा। The standard unit of measuring temperature is degree Celsius, degree Celsius, तापमान को मापने की बेटा, तापमान को मापने की जो इकाई है, तापमान को मापने की बेटा जो इकाई है, जो यूनिट है, वो कौन सी है बेटा आपके? एक तो है डिग्री सेल्सियस, एक होती है सेंटीग्रेड। ठीक है बेटा, फॉरेनहाइट डिग्री सेल्सियस में मापा जाता है, सेंटीग्रेड में मापा जाता है, फॉरेनहाइट में मापा जाता है। ठीक है बेटा, लेकिन जो स्टैंडर्ड है, जो पूरे वर्ल्ड में वैलिड है बेटा, पूरे विश्व में जिसको मान्यता प्राप्त है, वो है डिग्री सेल्सियस। ओके बेटा,
राइट हो गया बेटा आपके, राइट आंसर बेटा वर्ल्ड में बेटा टेम्परेचर मापने का, वर्ल्ड में टेम्परेचर मापने की जो आपके स्टैंडर्ड यूनिट है कौन सी बेटा, वो डिग्री सेल्सियस, कौन सी बेटा, वो डिग्री सेल्सियस बेटा। इट वॉज इन्वेंटेड बाय एंड्रेस सेल्सियस, एंड्रेस सेल्सियस होता। इसकी खोज या आविष्कार किसने किया था? इसकी खोज या आविष्कार करने वाले व्यक्ति का नाम था एंड्रेस सेल्सियस होता, एंड्रेस सेल्सियस, आंद्रे सेल्सियस के नाम पे बेटा इसका नाम रख दिया डिग्री सेल्सियस। इसकी खोज करने वाला कौन था? आंद्रे सेल्सियस, ठीक है बेटा। इसे डिग्री सेल्सियस की खोज करने वाला कौन था बेटा? आंद्रे सेल्सियस। उसी के नाम पर इस डिग्री को कहा जाता बेटा डिग्री सेल्सियस। क्या कहा जाता बेटा इसको? डिग्री सेल्सियस कहा जाता है। चलो जल्दी से बताओ बेटा तापमान क्या है, तापमान क्या है बेटा? हवा का गर्म होना, हवा का शीतल होना ही तापमान कहलाता है, ठीक है बेटा। हवा का गर्म होना, हवा का शीतल होना ही तापमान कहलाता है। तापमान को किससे नापते हैं बेटा? थर्मोमीटर। टेम्परेचर को किससे नापा जाता है? थर्मोमीटर बेटा। टेम्परेचर नापने की यूनिट कौन सी है भाई, इकाई कौन सी है? डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर नापने की इकाई कौन सी है? डिग्री सेल्सियस बेटा। और इसको इन्वेंट करने वाले कौन थे? डिग्री सेल्सियस को इन्वेंट करने वाले थे आंद्रे सेल्सियस। इसको इन्वेंट करने वाले थे बेटा आंद्रे सेल्सियस। क्लियर है एवरीवन बेटा? क्लियर है एवरीवन? एयर प्रेशर बेटा, वायु दाब, एयर प्रेशर या वायु दाब बेटा। आप बेटा पढ़ा होगा साइंस में कि हम तो बैलून्स लेते हैं, एक बैलून्स में एयर भरते हैं और एक को बेटा हम निल रखते हैं, उसमें एयर नहीं भरते खाली रखते हैं, दोनों का वेट करें बेटा। तो डेफिनेटली जिस बैलून्स के अंदर एयर है, जिस बैलून्स में बेटा एयर है उसका वेट अधिक होगा, ठीक है। तो इससे पता होता है या पता चलता है बेटा कि जो आपकी एयर है उसमें वेट होता है, उसमें वजन होता है। आपने बेटा सुना होगा कि चंद्रमा या स्पेस में जाने वाले बेटा, चंद्रमा की सतह पर उतरने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो एक अलग से अपना सूट पहनते हैं, ठीक है ना, स्पेस सूट पहनते हैं बेटा वो। और अगर मान लीजिए नॉर्मल व्यक्ति जैसे आप और हमें, अगर अपन सेम इसी वे में चंद्रमा की सतह पर पैर रखना चाहें या चंद्रमा पर वॉकिंग करना चाहें, रनिंग करना चाहें, स्टैंड होना चाहें, तो नहीं हो सकते। तो हम बेटा चंद्रमा की जो सरफेस है उस पर नॉर्मल पृथ्वी की तरह हम
स्टैंड नहीं हो सकते बेटा, वहां पे हम वॉकिंग नहीं कर सकते, रनिंग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते बेटा? क्योंकि वहां पे एयर प्रेशर नहीं है, वहां पे बेटा वायु दाब नहीं है। इसलिए व्यक्ति का जो टोटल वजन होता है उसका 1/6 केवल छठा हिस्सा ही बचता है। ठीक है बेटा, 1/6 ही वेट बचेगा। यहाँ पे जो वजन है बेटा उसका छठा हिस्सा कहाँ पे बचेगा? आपके मून सरफेस पे बचेगा। हम पृथ्वी पे रुके हुए हैं, किस वजह से रुके हैं बेटा? एक तो पृथ्वी की ग्रेविटी है जो हमें पृथ्वी की ओर खींचती है, दूसरा हमारे ऊपर क्या बेटा एयर प्रेशर है, हवा का दाब है बेटा जो हमें पृथ्वी से जोड़े हुए है या पृथ्वी की सरफेस से बाहर नहीं जाने देता। ठीक है बेटा, हवा दबाव डालती है या बेटा एयर जो होती है बेटा वो प्रेशर डालती है। इसको अपन समझ सकते हैं बेटा कि जब आप चंद्रमा पे जाते हैं तो आपके वजन का कितना हिस्सा रह जाएगा बेटा? 1/6। आप अपने वेट में 6 से डिवाइड कर दो, जितना भी आपका वेट है बेटा उसमें 6 से डिवाइड कर दो। 60 किलो का व्यक्ति जाएगा बेटा, मान लो कि 60 kg का व्यक्ति चंद्रमा पे जा रहा है, उसका वेट रह जाएगा कितना? 10 kg। हम क्या होंगे बेटा? बगैर वायु दाब के कारण चंद्रमा की सतह पे हवा में उड़ने लगेंगे। ठीक है बेटा, हवा में उड़ने लगेंगे बेटा। उसी चीज को बचने के लिए क्या किया जाता है बेटा, वहां पे आपके स्पेस सूट पहना जाता है। ठीक है बेटा, क्लियर? एयर प्रेशर का एयर प्रेशर डिफाइन एयर प्रेशर डिफाइन as the pressure extracted by the weight of air on the earth's surface level, हवा के द्वारा, हवा के द्वारा बेटा पृथ्वी की सतह पे जो दबाव डाला जाता है, जो वजन डाला जाता है उसे वायु दाब कहते हैं। एयर प्रेशर डिफाइन एज द प्रेशर एक्सट्रैक्ट बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस। बेटा एयर प्रेशर डिफाइंड, वायु दाब को बेटा परिभाषित किया जाता है एज द प्रेशर एक्सट्रेक्ट बाय द वेट ऑफ एयर, हवा के द्वारा डाले गए वजन और उसके दबाव को बेटा जो पृथ्वी की सतह पर लगाया जाता है उसे वायु दाब कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर हवा द्वारा डाले गए वजन और दबाव को बेटा वायु दाब कहा जाता है। ठीक है बेटा, क्या कहा जाता है बेटा उसे? वायु दाब कहा जाता है। हवा जो वजन डालती है पृथ्वी की सतह पे,
हवा जो दबाव डालती है बेटा पृथ्वी की सतह पे, उसी को क्या कहा जाता है, वायु दाब कहा जाता है। एयर प्रेशर, द एयर प्रेशर, द एयर प्रेशर इज हाईएस्ट, द एयर प्रेशर इज हाईएस्ट एट सी लेवल, हाईएस्ट एट सी लेवल का वायु दाब सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है, वायु दाब सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है, सी लेवल समुद्र तल के ऊपर बेटा, समुद्र तल के ऊपर वायु दाब सबसे अधिक पाया जाता है। एंड डिक्रीज, एंड डिक्रीज मीन्स घटना का, एंड डिक्रीज विद हाइट, एंड डिक्रीज विद हाइट, सबसे ज्यादा बेटा वायु दाब समुद्र की सतह के ऊपर पाया जाता है, समुद्र तल पर पाया जाता है। फिर जैसे जैसे हम हाइट पे चले जाते हैं, जैसे जैसे बेटा हम हाइट पर चले जाते हैं, वैसे वैसे तापमान कम होता चला जाता है, वैसे वैसे बेटा सॉरी वैसे वैसे वायु दाब कम होता चला जाता है। जैसे जैसे हाइट पे जाते हैं, वैसे वैसे बेटा एयर प्रेशर या वायु दाब कम होता चला जाता है। जैसे मान बेटा ध्यान से देख बेटा और मुझे बताओ बेटा कि सबसे ज्यादा जो एयर का प्रेशर है, सबसे ज्यादा जो बेटा हवा की का दबाव है वो कहां पे होगा, सबसे ज्यादा बेटा हवा का दबाव कहां पर होगा, यहां पर होगा या बेटा यहां पर होगा, यहां पे बेटा हवा की इतनी मोटी लेयर है बेटा, इतनी मोटी लेयर है ना, यहां पे हवा की बेटा इतनी मोटी लेयर है, तो एयर प्रेशर कहां पे होगा, यहां पे सबसे ज्यादा होगा बेटा, ठीक है यहां पे सबसे ज्यादा होगा। फिर जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाओगे एयर प्रेशर क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा, क्योंकि हवा का दबाव कम होता चला जाता है, ठीक है। जैसे मान बेटा सबसे ज्यादा बेटा वेट कौन से पे है, सबसे अधिक वेट कौन से पे बेटा, सबसे अधिक बैलेंस के रिमोट पे है और सबसे कम बेटा आपके मार्कर पेन पे है, ये है ना बेटा। सबसे नीचे जो बेटा उस पे सबसे अधिक प्रेशर होता है, ठीक इसी प्रकार से एयर का जो प्रेशर होता है मैक्सिमम कहां पे होगा, यहां पे होगा। जैसे जैसे आप फाइट पे जाओगे वैसे वैसे बेटा आपके एयर प्रेशर डिक्रीज होता चला जाता है, कम होता चला जाता है।
क्लियर क्लियर बेटा। बैरोमीटर इज इंस्ट्रूमेंट विच measures air pressure का, वायु दाब को मापने का यंत्र क्या कहलाता है? वायु दाब को मापने का यंत्र क्या कहलाता है जी? वायु दाब को मापने का यंत्र कहलाता है बैरोमीटर। वायु दाब को मापने का जो यंत्र है बेटा वो कहलाता है बैरोमीटर। क्या कहलाता है बेटा? वो बैरोमीटर कहलाता है। एयर प्रेशर को मापने के लिए बेटा जिन इकाइयों को काम में लिया जाता है, एक तो बेटा आपके मिलीबार और एक है पास्कल। एक तो कौन सी बेटा आपके मिलीबार और एक कौन सी बेटा आपके पास्कल। राइट करो बेटा जल्दी से, जल्दी से राइट करो बेटा। एयर प्रेशर बेटा क्या है बेटा? एयर प्रेशर क्या है? एयर प्रेशर डिफाइंड एज द प्रेशर। एयर प्रेशर डिफाइंड एज द एयर प्रेशर एक्सप्रेस्ड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस। हवा के द्वारा बेटा पृथ्वी की सतह पर डाले गए वजन और डाले गए दाब को वायु दाब कहते हैं। वायु दाब बेटा सबसे ज्यादा होता है, जो हाईएस्ट होता है वो होता है सी लेवल पर, समुद्र तल पर सबसे ज्यादा होता है। और जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं वैसे वैसे बेटा आपके एयर प्रेशर डिक्रीज होता है, कम होता है। बैरोमीटर इज ए इंस्ट्रूमेंट विच मेजर एयर प्रेशर। वायु दाब को नापने के लिए
जिस यंत्र को काम में लिया जाता है, जिस इंस्ट्रूमेंट को काम में लिया जाता है, यूज लिया जाता है, उसे बैरोमीटर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बेटा? बैरोमीटर कहते हैं। और एयर प्रेशर को मापने के लिए बेटा जिस यूनिट को काम में लेते हैं, जैसे बेटा टेम्परेचर मापने के लिए डिग्री सेल्सियस काम में लेते थे बेटा, ठीक है, ठीक इसी प्रकार से एयर प्रेशर को मापने के लिए मिली बार, किसको काम में लेते हैं बेटा? मिली बार और पास्कल, दो यूनिट है बेटा, मिली बार और पास्कल दो यूनिट्स हैं जिनसे एयर प्रेशर को नापा जाता है। जल्दी से बेटा स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा, आज की क्लास को करते हैं यहीं और कल मिलते हैं बेटा, तब तक के लिए गुड डे, हैव ए नाइस डे बेटा।